दोस्तों, कोई भी शहर चाहे कितना भी डेवलप क्यों ना हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ दहशत भरी चीजें वहाँ अक्सर रहती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी नदी की जिसके लिए कहावत है कि जो भी पानी को छूता है वो पानी का हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन सी है ये नदी और जानते हैं पूरी कहानी इस नदी की। खूनी नदी। दोस्तों, न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल भी है और डेवलप्ड स्टेट भी, पर यहाँ मौजूद है ऐसी जगह जो इंसानों की रूह कपा दे, जहाँ लोग रात में तो क्या दिन में भी जाना पसंद नहीं करते। यूं तो नदी के किनारे बैठना, पिकनिक मनाना एक बहुत रोमांचक एक्टिविटी है, पर क्या हो एक शांत सी दिखने वाली नदी खूनी नदी बन जाए। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में रोहिणी के पास बहने वाली नदी के बारे में, जिसके आस पास खूब खूबसूरती है, हरियाली है और एक जंगल जैसा एरिया भी है। पर जितना खूबसूरत एरिया ये है, उतना ही खतरनाक और दहशत भरा भी। अक्सर नदी में खतरा डूबने का होता है, क्योंकि वहाँ गहराई बहुत होती है, पर यहाँ मामला कुछ और है। इस नदी को खूनी झील, खूनी नदी, मौत की नदी जैसे कई अन्य नामों से जाना जाता है। यहाँ पर होने वाली सारी एक्टिविटीज नॉर्मल नहीं, पैरानॉर्मल है, और इसका पता आपको कुछ देर में चल जाएगा। यहाँ पर कोई डूबता नहीं, बल्कि यहाँ आत्माओं का बसेरा है जो इंसानों को पानी में डुबाता है। यहाँ बहुत से लोगों ने रातों को रोने की आवाजें सुनी हैं, जो कि इस नदी में से आती है। खुसुर खुसुर की आवाजें नदी के पास से रातों को अक्सर लोगों को डराती है। यहाँ पास से गुजरना भी एक चुनौती है लोगों के लिए। यहाँ बहुत किस्से कहानियां फेमस है, उनमें से कुछ हम आपको बताएंगे। एक बार दो व्यक्ति पास से ही बाइक से जा रहे थे और उन्होंने किसी के जोर जोर से बचाव की आवाजें नदी से सुनी, और उनमें से एक बाइक सवार नदी में बचाने के लिए कूद गया, पर अफसोस उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिली। ऐसे ही कई हॉन्टेड किस्से यहाँ घट चुके हैं। दिखाई नहीं दिया या क्या, वो जुपिटर जो है उनका नहर में गिर गया। अच्छा। और फायर ब्रिगेड को पहुँचने से पहले भी एक लड़के को तो निकाल लिया गया है, वो हेलमेट वगैरह भी निकाल दिया, जुपिटर को भी निकाल दिया है, लेकिन एक लड़का भी और है, उसकी सर्च कार्य भी जारी है। ऐसा माना जाता है कि एक की नहीं, कई लोगों की आत्मा है जो यहाँ आने वाले को अपनी ओर किसी बहाने से आकर्षित करती है। यहाँ आए दिन मौत होती रहती है, जिसका कई लोग कारण भूत प्रेत बताते हैं, क्योंकि ये नदी रहस्यमयी है। वहीं कई लोग इसे सिर्फ गुंडों चोरों का अड्डा मानते हैं, पर जो भी है बहुत दहशत भरा है, जिसकी वजह से दिन में भी लोग जाने से डरते हैं। दिल्ली में सच्ची डर की तस्वीरें इस नदी में देखी जा सकती है। आसपास के लोगों का यहाँ तक मानना है कि अगर इंसान इस नदी के पानी को छू भी ले, तब भी उसकी मौत पक्की है, क्योंकि जो भी पानी को छूता है उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है और अंत में मौत हो जाती है। कई लोग यहाँ वीडियो बनाने आए रात में, जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और उनका पता आज तक नहीं चला। कई बार लोगों ने यहाँ रचनात्मक चीजें महसूस की है, जैसे जंगल के पास से आ रहा एक अजीब सा शोर, जैसे कि बहुत लोग वहाँ इकट्ठे हैं और बातें कर रहे हैं, जिसके कारण लोग इस नदी के आसपास भटकते रहते हैं और इसी के कारण वो इस नदी में गिर जाते हैं। अब जानते हैं क्या है इतिहास इस खूनी नदी का, जिसकी वजह से यहाँ ये सब घटता है। दोस्तों, सोर्सेस के हिसाब से 1857 में जो भी लड़ाई के दौरान अंग्रेज मारे जाते थे, उनकी लाशों को इस नदी में फेंक दिया जाता था, जिससे उनका नामो निशान मिटाया जा सके, पर उनकी आत्मा का नामो निशान आज तक ये नदी नहीं मिटा पाई, और इसी कारण की वजह से अंग्रेजों की आत्मा यहाँ आज भी राज करती है। पर कई लोग ऐसा मानते हैं कि इस सुंदर सी जगह को देखकर लोगों का यहाँ मन खो जाने को हो जाता है और इसी जगह में समा जाने का हो जाता है, और इसीलिए वो अपने आप को इस नदी को समर्पित कर देते हैं, जिसका कारण भी आत्माओं को बताया जाता है। इस नदी को देखकर फरीदाबाद की खूनी झील की कहानी याद आती है, जहाँ पर भी ऐसी ही हॉन्टेड एक्टिविटीज देखी गई हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप लोगों से एक सवाल, आपको क्या लगता है या होने वाली सारी एक्टिविटीज का कारण क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।